बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर बिहार में मछलियों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है और इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सभी तरह की मछलियों पर जिन पर प्रतिबंध लगा था उन्हें हटा लिया गया है। आपको हम बता दें कि बिहार में पिछले 14 जनवरी को मछलियों की बिक्री पर रोक लगा था और कई कानून बनाए गए थे, लेकिन उसको एक बार फिर से यहाँ पर बैन को हटा दिया गया है। उस पर जब हमने पटनायक से जानने की कोशिश की कि उनका क्या कुछ कहना है इस पर, क्या उनकी राय है, विक्रेताएं किस तरीके से, जो मछली विक्रेता हैं उनकी क्या कुछ सोच है और जो मछली खरीदार हैं, जो मछली के शौकीन हैं, उनका क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। जरा आप भी देखिए। आंध्र से आने वाली मछली को बैन किए थे, तो अब वो मछली बैन पर से हट गए। तो चलिए आइए हम मछली विक्रेताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें अब इस मछली के बारे में क्या कहना है। बहुत नुकसान झेलना पड़ा हम लोग को, ऐसे दूसरे तीसरे से कर्जा लेना पड़ा और तालाब के पास जाते थे तो लोग बहुत भाव खाता था, बोलता था कि भैया अंधेरा वाला बंद हो गया, मछली 300 का लेना तो लीजिए, 300 का खरीदेंगे तो हम लोग बेचेंगे कैसे, कस्टमर को 400 बोलते हैं तो हम लोग कस्टमर उल्टा सुनाता है कि 400 रुपये किलो मछली दोगे, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा मछली, बहुत सारा बात है। हम लोग के मछली बंद होने से झूठ मूठ के हल्ला हो गया कि मछली में कैंसर है, कुछ कैंसर नहीं है। हम लोग के बंद होने से बहुत हम लोग के नुकसान है। हम लोग 300 रुपये 400 रुपये किलो खरीद के लाते हैं, बाजार में बोल रहे हैं कि 400 रुपये केजी है, बोल रहे हैं पगला गए हैं, लूट रहे हैं, पैसा चोरी कर लिए, डकैती करिए। अब बताइए हम लोग खरीद के मनेर से लाते हैं, 400 रुपये किलो बचवा लाए हैं, 450 का बेचेंगे तब ना गाड़ी भाड़ा चिमकी उमकी के दाम निकालेंगे, तो यहाँ बिक्री होता है ये नहीं, बोलता है कहाँ बैठे हुए हैं, 300 रुपये लाए हैं, 200 रुपये किलो बेच रहे हैं, 250 रुपये किलो बेच रहे हैं, 50 रुपये घटा के बेच रहे हैं। अब कहाँ कहाँ बिक रहा है, नहीं बिक रहा, अंधेरा मछली अभी बिक रहा है, कहाँ अंधेरा मछली अभी नहीं बिक रहा, अभी तो लोकले काम में मछली बिक रहा है, ये सब अंधेरा बिक रहा है, बोला सब बंद है मछली, सरकार तो सबको लोटा में डाल ही रहा है, हम लोग कर्जा ले लेके खा रहे हैं, कितना कर्जा ले लेके खाए, सरकार तो दम गरीब का जान मार रहा है, दम मार रहा है गरीब को, समझ गए ना। हम लोग मछली कहाँ कहाँ से, कानपुर से ला रहे हैं, कलकत्ता से ला रहे हैं, इधर से वर्धमान से ला रहे हैं मछली, तैयो नहीं पुर रहा है मछली पटना में, दो गो तीन गो बाल बच्चा कहाँ जाएगा बताइए, पेट पे लात ना मार दिया सरकार, यही अच्छा दिन है, रातें जा रहे हैं मछली पहाड़ लाले, कानपुर जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, नखलौर जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं मछली लाने के लिए, डेली जात कुछ हो जाएगा तो मेरा बाल बच्चा है बिलट जाएगा, सब सरकार करा रहा है, बताइए कितना नुकसान करा दिया है बंद होने से, झूठ मूठ के बंद करा दिया है, कुछ कैंसल नहीं, कुछ अथी नहीं है मछली में, यही मछली है जी, लोकल है, लोकल है, सब तालाब का है, जानीपुर दरियापुरी सब जहाँ से आता है वो सब मछली बंद है, सरकार तो बंद करा दिया वो सब मछली, बिक तो रहा आंध्र प्रदेश वाला बंद है, सब लोकल मछली आ रहा है, हाँ ना अभी कहाँ से हटा, आंध्र प्रदेश वाला मछली कहाँ से आ रहा है बिहार में, दो बजे भोर में जाते हैं मछली मार के, ठंडा में सब मर जाओ, मर उड़ जाएगा सब लड़कन उड़कन, तब कहाँ जाएगा बताइए, मोदी सरकार सबको अच्छा से डुबा दिया है, लास्ट दिन है मोदी सरकार आपका, ठीक है, अंधेरा चालू होना चाहिए, अभी 200 वाला 400 रुपये किलो खरीद रहे हैं, हाँ सब लोकल है, अंधेरा चालू, नाम कटवा दिए तो अच्छा किए हैं मोदी सरकार और नीतीश कुमार मिलकर, तीन तीन चार चार गो बाल बच्चा है हमारे पास में, कहाँ से किराए खाना खुराक, अंधेरा मछली बंद करवा के तालाब वाला औरत पानी कहाँ जाएंगे तालाब में मारने के लिए मछली, लेकिन अंधेरा वाला मछली नहीं आने के कारण ये हम लोग 200 का बेचते थे अभी 400 का बेच रहे हैं, एक टप हमारा खाली है और जहाँ 1 क्विंटल बेचते थे वहाँ 40 किलो बेच रहे हैं, तो हम लोग आमदनी भी कम हो गया, कमाई भी कम हो गया, तो बोलिए हम लोग अपना घर द्वार कैसे चलाएंगे, कहना यही कि जो मछली था 160 का वो अब 200 में दे रहा है, और क्या यही कहना है कि पहले नियर नहीं है अब मछली, कि पहले नियर अब अति हो गया ज़्यादा, उसमें वायरस निकलने लगा है तो उसको फिर से अति किया जाए, जांच पड़ताल किया जाए और फिर से मछली को दिया जाए, जांच हो गया, प्रतिबंध हट चुका है, सरकार प्रतिबंध हटा चुकी है, तो फिर से बेच कम करने का रेट लगाइए कि ताकि उसी रेट में फिर से मिले, बंद करने से कोई फायदा है मैम, खाने वाला तो खा ही रहे हैं, जान ही रहे हैं इसके रेट में, लोकल मछली ना चल रहा था वो तो आंध्रा से आने वाली मछली तो बंद थी ना, घाटा हुआ हम लोग को, नुकसान हो रहा है हमारे राज्य को, नुकसान ही ना है उससे,
मान लीजिए हम दूसरे स्टेट से मंगाने तो वो तो अपने कमा रहे हैं, हम लोगों को तो नुकसान ही हो रहे हैं अपने देश में, उससे तो हम लोग को सरकार को घाटा ही हो रहा है, वो तो सब बंद करते जा रहे हैं तो उनको ही घाटा है, हम लोगों को घाटा थोड़ा होता है। प्रतिबंध हटाना, अभी मछली का मैंने सैंपल कलकत्ता गया, कहाँ कहाँ गया, अभी सैंपल में कोई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन कैसे हटा दिए हैं ये समझ में नहीं आ रहा, तुरंत लगाते भी है तुरंत हटाते भी है, ये सब सब चुनावी मुद्दा है कि मतलब प्रतिबंध, मतलब आपको मला लोग हमको वोट नहीं देगा, प्रतिबंध भाई हटा देना है। और ऐसा तो नहीं था कि रिपोर्ट आने के बाद सैंपल जो गया था, रिपोर्ट आने के बाद ही ना होता कि भाई आंध्रा वाला मछली पर हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, तो रिपोर्ट की बात ही बताते है। इससे गरीब लोग मर जाएगा और गवर्नमेंट जो है कि इस लोग के लिए अच्छा कोई कदम उठाता है तो वो सबसे बेस्ट है, हमारे नज़र से सबसे अच्छा है। तो हम लोग तो बहुत खुश है बउआ, हम लोग बहुत खुश हैं कि आंध्रा वाला चालू हो गया है, तो हम लोग गरीब आदमी दाल रोटी उसी से चलता है और सारा गरीब आदमी को मरण हो गया, गरीब वाला का तो कुछ भी बोल देता है, उन लोग को तो नहीं सकता है, सरकारी पैसा मिलता है तो 600-500 रुपए किलो खा सकता है, मगर गरीब आदमी जो मजदूर आदमी है और कहाँ से खाएगा, 120 रुपए जैसा मिलता तो लोग खा लेता था, आज 600 रुपए किलो है तो गरीब आदमी खा पाएगा, मजदूर तो कोई नहीं खा पाएगा, नौकरी वाला खा पाएगा 600 रुपए 700 रुपए, उसको खाएगा तलब मिलता सैलरी है उसका 70,000-1,00,000 रुपया उसका सैलरी है तो उससे 700-800 रुपए किलो खा सकता है, मगर गरीब आदमी जो मजदूर है जो लेबर में क्लास का आदमी है वो तो नहीं खा सकता है, तो वही मछली खा के आज का जीवन काट रहा है। आज तक उस लोग के 14 तारीख से जो बंद हुआ है तो आज तक गरीब आदमी मछली नहीं खाया है, जो जिसका ऐसी सैलरी तो वो खा रहा है, गरीब तो मजदूर मर गया, गरीब आदमी भी मर गया, हम लोग अंधेरे वाला बेचते हैं, हम लोग का अंधेरा वाला चालू, हम लोग बहुत खुश है। देखिए मछली में ऐसे तो खाते हैं नहीं, लेकिन अच्छी बात है जिंदा मछली खाना चाहिए, वो अंधेरा वाला मछली जो आने वाला था उसमें सही में बीमारी निकला है, इस बात को तो जाँच किया गया है तो पता चला है कि बीमारी निकला है। जैसा कि आपने देखा कि सरकार भले ही आंध्रा से आने वाली मछली प्रतिबंध हटा चुकी है लेकिन अभी भी उसका रेट बहुत ज़्यादा है, लोकल मछली का भी रेट ज़्यादा है, तो सभी जनता और विक्रेता ये चाहते हैं कि सरकार उसमें मछली का रेट कम कर दे। मैं स्वाति सुमन कैमरामैन अनीज के साथ न्यूज़ 1 11 पटना। तो फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक पर लाइक करें और आप हमें ट्विटर पर फॉलो जरूर करें। नमस्कार।